Right now we are back to our hotel. अब हम यहाँ से निकलेंगे गंगोत्री के लिए. See you in गंगोत्री. Subscribe and press the bell icon to join me on this travel journey. Love you. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है जी चैनल पे. और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम बैक. की बात है, अच्छी बात यह है कि हमें गाड़ी मिल गई है. ये रही अपनी गाड़ी. अभी चेकिंग चल रही है, थोड़ा बहुत रास्ते कहीं ख़राब ना हो. गाड़ी रेडी होने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे गंगोत्री के लिए. रास्ते का नज़ारा लेते हुए जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे. दिल से अच्छा लगता है जब गाड़ी मिल जाती है. राइट नाउ इट्स 11 o'clock और हम लोग ऋषिकेश से अप्रॉक्स 40 या 50 किलोमीटर आगे हैं. ऊपर की तरफ है रेस्टोरेंट, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, यहाँ से फिर आगे निकलेंगे. ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट था तो यहाँ नीचे थोड़ी देर 5 मिनट रुके हुए हैं. अभी हम लोग उत्तरकाशी से अप्रोक्स 1 या 2 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ पे एक पीछे एक चेक पोस्ट टाइप का है. नॉर्मल हो रहा है, चेकिंग वेकिंग नहीं हो रही है, पास वगैरह नहीं चेक हो रहा है. बस एक नॉर्मली अपना नेम वेम रजिस्टर करवाना है और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं. अभी 100 या 200 मीटर पहले वो चेक पोस्ट था जहाँ से हम अभी आ रहे हैं और वहाँ से 10-5 मिनट की दूरी पे है, ये है कीड़ी वाटरफॉल. बेसिकली ये वाटरफॉल नहीं है, एक डैम है, डैम से पानी छोड़ते हैं तो ये वाटरफॉल की तरह ही है. व्यू शानदार है और एक रेनबो बन रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ. इट्स 9 PM एट नाइट. गंगोत्री टेम्पल जस्ट मेरे पीछे है. सुबह 9 बजे स्टार्ट किया था ऋषिकेश से, एग्जैक्टली 12 घंटे बाद हम यहाँ गंगोत्री में हैं. और आज पूर्णिमा की रात है, पता नहीं आपको क्लियर दिखेगा कि नहीं. ऊपर देखिए फुल मून है आज और फुल मून में ये थोड़ा अलग ही दिखाई देता है. ऐसे नेकेड आई से जो दिख रहा है वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कैमरे में आएगा नहीं, लेकिन ये अलग ही एक्सपीरियंस आ रहा है. सुबह में आपको प्रॉपर दर्शन कराते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम हैं गंगोत्री धाम. जस्ट पीछे की तरफ है मंदिर, अभी खुला नहीं है, थोड़ी देर में आरती होगी. होटल वाले से पूछा तो वो बता रहे थे कि सुबह 5 बजे आरती होती है, इसलिए हम 4 बजे ही उठ गए और जल्दी जल्दी फ्रेश एंड अप होके नहाने वाने के बाद यहाँ मंदिर में आ गए. यहाँ आके पता चला कि आरती थोड़ी लेट होगी. एंड गाइस लुक एट दिस अमेजिंग व्यू फ्रॉम द टेम्पल. मेरे जस्ट सामने मंदिर है और मंदिर के जस्ट सामने ये व्यू है. अभी सनराइज हुआ नहीं है लेकिन जैसे जैसे सनराइज होगा ऊपर लाइट आते जाएगी और ये बिल्कुल क्लियर होते जाएगा और जो व्यू निकल के आएगा. टेम्पल प्रेमिसेस के जस्ट बीच में खड़ा हूँ मैं और यहाँ से आपको पूरा 360 एंगल दिखाता हूँ. आपको आइडिया लग जाएगा कि टेम्पल के आस पास क्या क्या है. ये सामने जस्ट है मेन गंगोत्री टेम्पल. ये कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं. ये इससे पहले मैं जो बात कर रहा था व्यू की, वो ये व्यू है. यहीं से गौमुख तपोवन का ट्रैक भी करने के लिए जाते हैं. ये छोटे बड़े मंदिर एंड दिस इज द मेन टेम्पल. अगर आप माँ गंगा का मूर्ति रूप में दर्शन करना चाहते हैं तो ये जगह है, ये मेन मंदिर है. और अगर आप जल रूप में देखना चाहते हैं तो आपको 18 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ेगा गौमुख जाने के लिए, जो गंगा का सोर्स है गौमुख ग्लेशियर. लोग बोलते हैं कि जो गौमुख 18 किलोमीटर पीछे है वो यहीं पे हुआ करता था, यही मंदिर के पास में ही जहाँ इस वक्त मंदिर है. लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर श्रिंक होते गया और वो 18 किलोमीटर पीछे चला गया. अगर आप बहुत पहले आते हैं 100-200 साल पहले तो आपको यहीं से गौमुख देखने को मिल जाता और आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक नहीं करना. ठंड के वक्त जब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है और कपाट बंद होने लगते हैं तो गंगा जी को यहाँ से ले जाके पीछे एक गांव है हर्षिल के पास में मुखबा, वहाँ पे ले जाके स्थापित करते हैं. यात्रा जब स्टार्ट होती है तो ये गंगा जी का घर होता है और विंटर होम इनका मुखबा विलेज में.
जो रिलीजियस लोग होते हैं वो मेनली यहीं तक आते हैं, और जो थोड़े एडवेंचरस टाइप के होते हैं वो यहाँ आने के बाद, दर्शन करने के बाद, आगे ट्रैक करने भी जाते हैं, गौमुख देखते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा एडवेंचरस है। और वहाँ से गौमुख से आप तपोवन भी जा सकते हैं, जो हम शायद जाएंगे। आज हमारा चौथा दिन है ट्रिप का, और हर दिन एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ मिलते रही है। आज भी एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हम बिना कोई प्रॉब्लम, अभी रेड अलर्ट है उत्तराखंड में, बिना कोई प्रॉब्लम हम पूरा दिन ट्रेवल करके फाइनली गंगोत्री पहुंच गए। लेकिन यहां आने के बाद न्यूज़ ये मिली कि दो दिन पहले यहां पे स्नोफॉल हुई थी, और जो ऊपर वाले पहाड़ हैं वहां पे बर्फ़ ज़्यादा लगी हुई है, तो रास्ता अभी प्रॉपर ट्रैक का बना नहीं हुआ है, लोग साफ करने में लगे हुए हैं। ये एरिया पूरा गंगोत्री नेशनल पार्क में आता है, इसलिए फॉरेस्ट वालों ने अभी ट्रैकिंग बंद कर रखा है। अभी पूरी ट्रिप किस्मत से ही चलते आ रही है, अगर किस्मत अच्छी रही तो हम तपोवन भी जाएंगे। Look at this amazing view from here. ये नीचे बह रही है भागीरथी नदी, और ऊपर की तरफ स्नो व्हाइट माउंटेन्स। जैसे जैसे सनराइज हो रहा है वैसे वैसे सब कुछ साफ होते जा रहा है, और बिल्कुल अमेजिंग व्यू आते जा रहा है। सो यहाँ पे GoPro लगा रखा है ये टाइम लैप्स के लिए। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए आश्रम भी दिख रहा है, इधर बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पे GMBN का रेस्ट हाउस है, तो यहाँ पे रुकने का कोई दिक्कत नहीं है। होटल के ऑप्शन अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, और केदारनाथ के कंपैरिजन में यहाँ पे उतने यात्री नहीं आते, इसलिए होटल वगैरह इजीली मिल जाता है। अभी तो नदी की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, लेकिन अगर आप सुन पा रहे हैं तो पीछे नगाड़ा बज रहा है, दैट मीन्स कि आरती स्टार्ट होने वाली है। तो ये टाइम लैप्स के चक्कर में मेरी आरती मिस हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। मंदिर से अप्रॉक्स 200 मीटर पहले ये रास्ता पड़ता है, यहाँ से इधर की तरफ गौरीकुंड, पांडु गुफा, और उस तरफ भागीरथ शिला और सूर्यकुंड है। सूर्यकुंड का अभी मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। अभी हम जा रहे हैं सूर्यकुंड की तरफ, आपको वहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ। जितना ही सीनिक है उतना ही डेंजरस भी दिखता है। सूर्यकुंड से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर का ट्रैक है पांडु गुफा जाने के लिए, और बीच में ही आधे किलोमीटर पे पड़ता है गौरीकुंड। ये नीचे की तरफ गौरीकुंड से निकलता हुआ पानी। एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर इज पांडु गुफा? आई डोंट नो, आई एम जस्ट वर्किंग, आई एम सॉरी। ओके। 2 किलोमीटर चलने के बाद ये एक थोड़ा ओपन सा एरिया है, और यहाँ कहीं मुझे तो नहीं दिख रहा पांडु गुफा। राइट नाउ इट्स 12 इन द आफ्टरनून, और हमें चेकआउट करना है, चेकआउट करके निकलना है, इसलिए अब पांडु गुफा के लिए नहीं जाएंगे। अभी तक जितने भी बैड न्यूज़ थी वो बस ऐसी ही थी, एमवी थी। आज की जो न्यूज़ है वो सच में बिल्कुल, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में गया था, वहाँ पूछा तो वो बता रहे थे कि 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से वहाँ ऊपर गौमुख ट्रैक पे लैंडस्लाइड हुआ है, और वो कह रहे हैं कि जब तक लेबर आते नहीं है उत्तरकाशी से और वो रास्ता साफ नहीं होता के लिए ट्रैक नहीं खुलेगा। तो आई गेस हम गौमुख तपोवन का ट्रैक नहीं कर पाएंगे।
ये रहा अपना होटल और जस्ट सामने है गंगोत्री टेंपल। इधर की तरफ मार्केट है, वहीं रुक गए थे लंच करने के लिए। और लंच करते करते ये डिसाइड किया कि गौमुख तपोवन का ट्रैक कभी और के लिए रहने देते हैं, फिर कभी करेंगे। क्योंकि जितने भी लोकल लोग हैं, गाइड हैं, ऑफिसर वगैरह हैं, वो सारे कह रहे हैं कि ट्रैक बंद है अभी, वहाँ जाना वेस्ट ही होगा, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कहीं और कोई और लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, वहाँ पे चलते हैं। एक आखिरी बार गंगोत्री टेम्पल का दर्शन कर लीजिए आप लोग। नीचे की तरफ जाएंगे, गंगा जल लेंगे घर ले जाने के लिए और फिर निकलेंगे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम एट अ न्यू लोकेशन। बाय फॉर नाउ।